हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडुकोन स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, कुछ पर्सनल समस्या थी, लेकिन अब निरंतर आपको वीडियोस मिलेंगे और कोई भी गैप नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किया? तो इसका सही आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किया, जो दिल्ली के एक आभासी मंच पर राज्य के एचआरडी मंत्री संजय धोत्रे की मौजूदगी में हुआ। दिशा निर्देश मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा तैयार किए गए थे। नेक्स्ट, उस मंत्रालय का नाम बताइए जो खनन मंत्रालय के पोर्टल को पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट से जोड़ने की योजना बना रहा है। तो इसका सही आंसर है कोयला मंत्रालय। और यह घोषणा कोयला सचिव अनिल कुमार जैन ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा आयोजित वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी पर एक हितधारक परामर्श के दौरान की थी। और कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र धारवाड़ कर्नाटक से, और फिक्की के अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी, और सेक्रेटरी जनरल हैं दिलीप चिनोए, और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जिसका सही आंसर है 15 जुलाई। हर साल संयुक्त राष्ट्र विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, ताकि रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने के लिए युवाओं को कौशल के साथ लैस करने के महत्व को उजागर किया जा सके। यह दिन 15 जुलाई 2015 को पहली बार मनाया गया था, और जिसका विषय है स्किल्स फॉर ए रेसिलियंट यूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2020 में निधन हो चुके सुरेश अमोनकर किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं? तो जिसका सही आंसर है गोवा। गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश अमोनकर का 68 साल की उम्र में कोविड-19 संक्रमण के कारण निधन हो गया, जबकि मार्गो के ईएसआई अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उनका जन्म 15 मई 1952 को गोवा के अमोना में हुआ था। गोवा की राजधानी पणजी, सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट, किस हवाई अड्डे ने भारत की पहली पूर्ण संपर्क रहित कार पार्किंग की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जीएमबी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट GHIAL ने कोविड-19 के बीच एक सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे RGIA में अपने यात्रियों और आगंतुकों के लिए कम टोल लेन देन के संपर्क के साथ भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित हवाई अड्डा कार पार्किंग की शुरुआत की। NETC फास्टैग कार पार्क भारत सरकार के वन नेशन वन टैग NETC फास्टैग कार्यक्रम का एक हिस्सा है। NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, जिसके MD एंड CEO हैं दिलीप आसबे, और जिसका हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, जियो प्लेटफार्म में 33,737 करोड़ में 7.73% हिस्सेदारी खरीदने की योजना किस कंपनी ने बनाई है? तो इसका सही आंसर है गूगल। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के जियो प्लेटफार्मों में 7.73% हिस्सेदारी खरीदने के लिए अल्फाबेट इंक का गूगल 33,737 करोड़ रुपए है। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने एक बाध्यकारी समझौते और एक निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ जियो प्लेटफार्म्स में कुल 1,52,555.45 करोड़ रुपये जुटाए हैं। रिलायंस इंडिया लिमिटेड, जिसके हेडक्वार्टर मुंबई और जिसके CMD हैं मुकेश अंबानी, और गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया US में, और जिसके CEO हैं सुंदर पिचाई। नेक्स्ट, 30 सेकेंड में 101 से 1 लेग हॉप्स के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब किसने बनाया है? तो इसका सही आंसर है सोहम मुखर्जी। UAE संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय
किशोर सोहम मुखर्जी ने 101 वन लेग हॉप्स के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब बनाया है, जो 30 सेकेंड में 96 हॉप्स के पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड खिताब को तोड़ने में कामयाब रहे। नेक्स्ट, हुरून के शोध के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? तो इसका आंसर है 5वां। हुरून के रिसर्च की दुनिया के सबसे अमीर आदमी की सूची के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष और सीईओ मुकेश अंबानी, जिनकी कीमत $78 बिलियन है, दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी हैं। वे जुलाई 2020 तक दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर लोगों में सबसे अमीर भारतीय हैं और वे एकमात्र एशियाई टाइकून हैं। नेक्स्ट, USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है दोनों, 1 और 2। बिजनेस एडवाइजरी ग्रुप USIBC ने कहा कि टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के सीईओ जिम टाइकलेट को इस साल USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिलेगा। USIBC का फुल फॉर्म है US इंडिया बिजनेस काउंसिल, और जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, और जिसके अध्यक्ष हैं निशा बिस्वाल, और भारत के लिए MD हैं अंबिका शर्मा। नेक्स्ट, स्पोर्ट अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जिसका सही आंसर है ब्रेटली। स्पोर्ट्स अड्डा क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी के लिए समाचार और सूचना वेबसाइट ने घोषणा की कि उन्होंने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रेटली को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। नेक्स्ट, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे एशियाई विकास बैंक ADB का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है अशोक लवासा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने अशोक लवासा को निजी क्षेत्र के संचालन और सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, जो वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्तों में से एक के रूप में सेवा कर रहे हैं और दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त 2020 को समाप्त होगा। ADB का हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, और इसके अध्यक्ष हैं मसात्सुगु असाकावा। नेक्स्ट, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने नागरिक उड्डयन उद्योग में सहयोग के लिए किस सार्वजनिक उपक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र के लोगों सहित हवाई अड्डे के व्यापार में उभरते वैश्विक अवसरों का सहयोग और समर्थन करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहमति व्यक्त की गई। समझौता ज्ञापन से नागरिक उड्डयन उद्योग को बढ़ावा मिलने की संभावना है। AAI का फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और जिसके चेयरमैन है अरविंद सिंह, और BEL का फुल फॉर्म होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस बेंगलोर में है और जिसके चेयरमैन एंड MD है MB गौतम। नेक्स्ट, नाबार्ड ने किस राज्य में 298 वाटर सेट परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए 221.89 करोड़ रुपए का वितरण किया? तो जिसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में नाबार्ड ने 6600 परिवारों को लाभान्वित करते हुए 3 लाख हेक्टेयर से अधिक में 298 वाटर सेट परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए 221.89 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता का विस्तार किया है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, और जिसके चेयरमैन है गोविंदा राजुलू चिंताला, और जिसके हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज अजीखड़ पुल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जिसका आंसर है जम्मू और कश्मीर। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL द्वारा विकसित किया जा रहा भारत का पहला
केवल स्टैंड भारतीय रेलवे ब्रिज है जिसका निर्माण भारत सरकार का उपक्रम है जो रियासी जम्मू और कश्मीर में कटरा को जोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुल चिनाब नदी को पार करता है। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL जिसके CMD है संजय गुप्ता और हेडक्वार्टर है नवी मुंबई में। नेक्स्ट, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पोवा आरक्षित वन को वन्यजीव अभयारण्य में अपग्रेड करने की योजना बनाई है। तो जिसका सही आंसर है असम। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के धेमाजी ज़िले में एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को अपग्रेड करने की घोषणा की है। जोनी में लखीमपुर धेमाजी और माजुली जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान घोषणा की गई। असम की राजधानी दिसपुर। गवर्नर है प्रोफेसर जगदीश मुखी। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। और फ्रेंड्स यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स कुछ पर्सनल समस्या की वजह से हम अभी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आपको कोई समस्या नहीं होगी और हमेशा आप वीडियो अपलोड किया जाएगा। और सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।